죄송합니다. 데니 안. मैं पहले कदम रखो यार, लोग मुझे क्या सोचे यार, इतना गंदगी बच्चा यार। Hey guys, what's up? Welcome back to the channel in the another video. तो आज का वीडियो जो शुरुआत हो रहा है रात के पता नहीं कितना बज रहा है टाइम, एंड आज का वीडियो जो शुरुआत हो रहा है सब्जी मंडी से। तो अभी मैं निकलने वाला हूँ आज यहाँ से अपना गाँव जो कि चुचूल में निकलने वाला हूँ, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू मीट माई ग्रैंड फादर जो कि आप लोगों को पता होगा। एंड मेरे ग्रैंड फादर को मिलने के लिए मैं इतना त्रास रहा है कि मैं क्या बताऊँ। अभी मैं सब्जी खरीद रहा हूँ द ग्रैंड पा के लिए एंड मेरा फैमिली के लिए, बिकॉज कल हमारा खेती का काम है ना, इसलिए अभी मैं स्पेशल खेती के काम के लिए जा रहा हूँ। मैं और मेरे भाई अभी रात को निकल रहा हूँ, बिकॉज कल मेरे दादा ने मुझे कॉल आया कि ना कल रात तक पहुँचाया जाऊँ वहाँ पे, तो इसलिए अभी हम निकल रहा हूँ, अभी जस्ट निकल रहा हूँ। एंड अभी सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह खरीद के दुकान दो दिन के लिए मैं बांधे रखूंगा, एंड मैं जाऊँगा यहाँ से दो दिन के लिए। खेती का काम जब भी खत्म होगा तुरंत मैं वापस आ के फिर मैं मतलब दुकान शुरू करूँगा, तो तब तक के लिए मैं वहीं घर जाके मैं दादा और दादी के साथ मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। एंड मैं मिस कर रहा हूँ, एंड ना मैं मिलने के लिए बहुत तरह से, एंड मिलूँगा मैं और दादी से। एंड अभी ये है चंपा का मतलब बाजार, यहाँ पे फ्रेश फ्रेश सब्जी और मतलब फ्रूट है, तो ये सारे खरीद के एंड में और मेरा भाई निकल जाऊंगा यहाँ से। कल आज हमने रुकना है यहाँ से मोद एंड देन निकलना है हमने कल चुचूल के लिए, एंड कल चुचूल पहुँचना है एंड वहीं पहुँच के मैं वीडियोस जो है स्पेशली दिखाऊंगा, बिकॉज यार आज सारी चीज़ें दिखाई नहीं पाऊंगा, बिकॉज रात को हम ट्रेवल करते वीडियोज बनाएंगे तो फिर अच्छा नहीं ना होता ना, तो इसलिए सो आज मैं क्लिप इसलिए बना रहा हूँ ताकि यार आप लोगों के लिए प्रूफ के लिए मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ बोल के। हे गाइस, अनदर डे सेम व्लॉग। तो आज मैं पहुँच चुका हूँ अपना खुद का गाँव जो कि चुचूल है। आज इतना ठंड है, मौसम भी पूरा बिगड़ा हुआ है। तो कल मैं और मेरा भाई आया था, सबसे पहले तो मैं निकला था रात को ले से चुचूल के लिए जो कि हमारा खेत का काम चल रहा है ना, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो वहीं पे खेत का काम चल रहा है अभी ना, तो पूरा जूम कर नहीं पा रहा हूँ मैं, अभी जाऊँगा वहीं पे प्रॉपर। अभी यार देख, मैंने सुबह से काम करवाने मतलब खेत का काम पे इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने आज बनवाया है उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट जो कि देख रोटी मेरे दीदी ने बनवाया है, एंड अभी मैंने बनवाया है आलू, ठीक है मैं अभी दिखाऊँगा आपको मैंने आलू कैसे बनवाया। ठीक है, मैं पता है इसको कैसे बनवाना चाहता था, इसको भूजी बनवाना चाहता था, जैसे कि इसके अंदर आलू है, ये मैंने बनवाया है आलू बनवाया, तो पता नहीं कैसे होगा, है ना, होप करता हूँ कि अच्छा होना चाहिए। मेरे दादा बड़े पापा सारे वहीं पे जा चुका है मतलब खेत का काम करने के लिए, पता नहीं उसका मतलब ही मतलब उसका नाम प्रॉपर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, जो खेत खोदता है ना तो उसके अंदर जो दाने डालता है, दाने बोलते हैं ना, दाने डालते हैं, तो आप लोग समझ रहे होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे दादाजी आ रहा है नीचे से, एंड मैं आप लोगों को मिलाऊंगा कि दादा को कैसे है बोलना, ठीक है आप लोग मतलब मैं पूछूंगा कि दादा को कैसे है, क्योंकि यार हम प्रॉपर नहीं ना मिला ना, कल रात को भी पहुंचा था, तो अभी जस्ट मैं उठ के आया हूँ, मतलब उठ के तो मैं एक घंटे हुआ हूँ। आप लोगों को एक इंसान से मिलता हूँ जो कि है हमारा दादाजी झूले में मिले, क्या हाल है, ठीक है ना, तो मैं दादा को दादा से मिलवाता हूँ। तो आज है हमारा खेती का काम है ना, मैं अभी ले अभी झूले हाँ। ये हमारा अभी ले मैंने आपको दादाजी से बाद में मिलाऊंगा अच्छी तरीके से, तो इसको मैं उठा के लेके जाता हूँ, बिकॉज यार देख मैंने तो आलू बनवाया है, तो दीदी ने है ना नीचे जो बड़े पापा के घर में रोटी बनवाया है जो कि लोकल होता बोलते हैं, तो पता नहीं मुझे लद्दाखी में, एंड बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलता है यार देख आपको लद्दाखी नहीं आते, यार मैं लद्दाखी हूँ प्रॉपर, मुझे आता है लद्दाखी, आई नो लद्दाखी लैंग्वेज वेरी वेल, ठीक है बिकॉज मैं प्रॉपर लद्दाखी हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि ऑल दिन भाई आप व्लॉग बहुत अच्छे बनाते हैं, एंड मतलब ऐसे मोटिवेट करते हैं ना, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर देट, एंड मेरा हाथ इतना दुख रहा है ना क्योंकि मैं यार कब से पकड़ के रखा है इसको, सो थैंक यू सो मच आप जिन्होंने मुझे मोटिवेट करते हैं ना। एंड रास्ते में मिलते समय एंड रास्ते में कभी भी मिलता होगा ना बाजार में मुझे मिलते समय, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप ब्लॉग्स अच्छे बनाते हैं। कल हम लोग इस गाड़ी में आया है यार, मैं दिखाता हूँ यार देख, मेरे कपड़ा सारे यहाँ पे रखा होगा शायद, देख ये देख हम लोग कल इसके अंदर आया यार, कसम से मैं यकीन नहीं हो रहा यार, इतना मतलब यार देख करके ऐसे इतना हिल रहा है ना कि 200 किलोमीटर हम हिलते आया कसम से यार, मतलब यार देख इतना भाई मतलब ये हल्के में मतलब नई गाड़ी ना इतना स्पीड चलाते हैं मतलब। तो आज खेत का काम चढ़े तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा प्रॉपर क्या क्या चढ़े है क्या नहीं चढ़े, बहुत ठंड है अंदर, चलता हूँ फिर लेट्स गो। ओके सो गाइस, अभी मैं अंडा भुजी बना रहा हूँ लोगों के लिए, जो लोग वहीं पे काम कर रहे हैं ना अभी खेती का, सो अभी मैं अंडा भुजी बना रहा हूँ उन लोगों के लिए, पता नहीं कैसे होगा, मैंने प्याज वगैरह डाला है, टमाटर डाला है, एंड यार देख अंडर बोर्ड जी जो सारे कंप्लीट हो चुका है, एंड मैंने अभी बना लिया, तो पता नहीं मैंने ना लास्ट पे नमक डाल दिया, नमक डालने भूल गया था। ओके सो फाइनली ये जो अंडर बोर्ड मैंने बनवाया है जो अभी जस्ट है, एंड अगर पीनट खाना चाहते हो तो यहाँ पे पीनट भी है। सो ये है हमारा लद्दाख का ट्रेडिशनल रोटी जो कि इसको लद्दाखी ब्रेड्स बोलते हैं, एंड हमारा लद्दाखी से किरशुक बोलते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, सो इसके साथ मैं खाऊंगा अंडर बोर्ड एंड चाय बनाया है दीदी ने ना, सो सबसे पहले खा के मिलता हूँ गाइस।
खा के फिर मैंने खेतों पे भी जाना है, सो खा के मिलता हूँ। सबसे पहले खाता हूँ, टेस्टी तो बहुत अच्छा है मुझे पता है, एंड वो लोग आगे अच्छा भी लगेगा जो कि मैंने बनाया है अंडा भुजी, तो अच्छा लगेगा उन लोगों को। तो गाइस अभी मैंने GoPro के अंदर कन्वर्ट किया कैमरा जो है, बिकॉज मैं अभी दादा को सरप्राइज देने वाला हूँ, जो कि मेरा ये जो iPhone 13 Pro Max है ना, तो दादा ने देखा है नहीं अभी तक। दादा जो नज़ारा नहीं दिखता ना, मतलब उनको वो नहीं करते, फोकस नहीं करते कि ये बंदे ने फोन कौन सा खरीदा है, ठीक है, फोन कौन सा पकड़ा है बोल के दादा ने नोटिस नहीं ना किया। तो मैं सोच रहा हूँ दादाजी को ये जो फोन का प्राइस थोड़ा सा बता के दादाजी का रिएक्शन कैसे आता है मैं देखता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं और मेरे दीदी खाना बना रहा हूँ, बिकॉज सारे लोग फिर खाना खाने के लिए आया था यहाँ पे, खाना वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह सारे करवा के एंड अभी चला गया वापस काम करवाने के लिए, जो कि खेती खोदता है तो उसके अंदर जो दाना डालते ना पता नहीं कुछ भी होगा, एंड अभी इसके अंदर छिलका जो होता है उसको निकाल के फिर यार मैं इसके अंदर डल देता हूँ, एंड फिर यार बाद में वो करने पड़ेगा, मतलब अंडा कारी यार जो भी बनवाएगा ना फिर फ्राई वराई करवाने पड़ेगा। तो मैं आज देखना चाहता हूँ आज मेरा दादाजी का रिएक्शन कैसे होते मैं देखता हूँ। मैंने सारे छिलका जो मैंने उतर दिया, मतलब निकाल दिया, तो अभी खाने के लिए तैयारी है जो कि आप सभी देख पा रहा होगा। एंड अभी मैं जाना है खेत पे जाना है, तो मैंने दिखाता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे खेत है ना, वहाँ पे वहीं जा रहा हूँ। अभी मैं जूस लेके जा रहा हूँ, जो कि ये जो जूस है ऑर्गेनिक जूस की तरह है, मतलब ये जूस है ना, मतलब शरीर को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो मैंने सोचा था इसको लेके चलो, ठीक है, पहले कदम रखो यार, लोग मुझे क्या सोचे यार, इतना गंदगी बच्चा यार, हवा आ रहा है, देखिए मौसम इतना खराब है यार, धूप है ठीक है बट यार फिर भी इतना खराब है मौसम, इतना हवा आ रहा है ना कि क्या बताऊं मैं यार, आवाज़ आ रही है आप लोगों को यार, मुझे तो मुझे लगता है कि आवाज़ नहीं ना आ रहा होगा शायद। एंड ये है सोलर प्लेट जो कि यहाँ से पानी निकालते हैं, ये जो दिया है किसकी थोड़ी सी मुझे पता नहीं, लद्दाख में यार बहुत सारी डेवलपमेंट हो रहे हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है डेवलप होते, तो मैं आज GoPro से यार वीडियोस बना रहा ना, थोड़ा सा हल्का लग रहा है हाथ जो है ना, नहीं तो यार देख फोन इतना भारी ना, फिर यार वीडियो बनाने में फिर हो जा रहा है यार, क्या बोलते हैं हाथ दुखता है ना ऐसे यार, फिर अच्छा नहीं लग रहा, तो अभी मैं GoPro से वीडियोस बना रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी सारे लोग फुल पावर ही कम कर रहे हैं जैसे कि आप सब देख पा रहे होगा वहीं पे, एंड देखिए यार लोग मैं वीडियोस बनाते जा रहा हूँ ना, लोगों को अच्छा नहीं ना लगता होगा, फिर भी मैं वीडियोस बनाते जा रहा हूँ। फाइनली मैं खेत पे पहुँच गया हूँ, एंड बहुत सारे लोग देख, बहुत सारे लोग तो नहीं, इतना भी लोग नहीं है ज़्यादा, तो बट जितना भी लोग होगा ना तो वह सारे कम कर रहा है फुल पावर ही। सो जो मैंने दाना बोला था ना, दाना तो पता नहीं ये है, पता नहीं क्या है ये डालते हैं अंदर, ठीक है, तो ऐसे करके खेत खोदता है तो उसके अंदर दाना डाल के फिर यार घास बड़ा होता है ना, तो फिर बाद में घास करता है तो वो हो जाता है, मतलब क्या यार क्या हो जाता है पता नहीं यार, हाँ कुछ हो जाता है मुझे मालूम नहीं इतना यार, है ना इसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट फिर भी मैं आपको दिखा के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो भी बाकी आप सभी को मुझे पता है। तो ये जो है घोड़ा से ट्रेडिशनली कर रहा है, एंड वहाँ पे मशीन से कर रहा है, जो कि आप सबको तो पता ही होगा मशीन से तो आजकल सारे लोग करते हैं, बट जो ट्रेडिशनल का जो खेत खोदते हैं ना वो यार काम हो जाते हैं आजकल, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो चीज़ निकल गया ना, सारी चीज़ें सेंचुरी भी एकदम से चेंज हो रहा है ना इसलिए। सो बाकी तो फुल पावर लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, एंड ये जो घोड़े में जो घोड़े में कर रहे हैं ना वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यार देख ये अपना एक ट्रेडिशनल है कल्चर है, ठीक है, बट यार देख मशीन से तो सब कुछ भी करते हैं यार, आजकल सारी मशीन से चल रहा है तो अच्छा नहीं ना लगता ना यार, देख कई कबर यार देख कभी कभार कुछ ना कुछ है ना, 100-50% तो कल्चर ही करना चाहिए, ट्रेडिशनल कल्चर है वही करना चाहिए, क्या बोलते हैं यार कमेंट सेक्शन में बता दो यार अगर मैं गलती हो तो, क्योंकि यार देख एक दो बंदे मुझे यार गलती सोचता है ना इसलिए यार मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर यार मैंने गलती कहाँ बोल के ना। बाकी यार देख वो जो है मशीन से कर रहे हैं, एंड यहाँ पे यार देख फिर यार ये ट्रेडिशनल है, ये कल्चर है पक्का, पुराना ज़माना से ये करते आ रहे हैं, तो अभी भी यही कर रहे हैं। फुल पावर यहाँ पे खेती का काम चल रहा है, एंड मैं अभी
पीछे घोड़ा पकड़ा है जो कि मैं आपको आसान है यार, कुछ नहीं है इसकी दिक्कत, मतलब जो पीछे वाला बंदा है उसको दिक्कत है, अदरवाइज मेरे को कुछ नहीं दिक्कत। तो अभी गाइस मैं आपको दिखाता हूँ मशीन से कैसे जो खेत खोदता है और कैसे मतलब मशीन से खेती का काम करता है, ठीक है। जो अभी ट्रेडिशनल का कल्चर जो मैंने दिखाया था जो कि घोड़े से करते हैं, तो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मतलब मशीन से कैसे मतलब खेती मतलब करती मतलब खेती का काम करते हैं। तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, आप लोग तो पहले दिखा ही होगा ऑब्वियसली, है ना। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मतलब चलाते हैं मशीन। मेरा हाथ पूरा जम चुका है, इतना ठंड हो रखा है ना, मेरा हाथ पूरा जम चुका है। सो अभी मैं जस्ट थोड़ा सा मैंने खेती का काम करवा के आया हूँ। तो जो कि मैंने बताया था मैं दादाजी को थोड़ा सा सरप्राइज देना था, वो मैं बताता हूँ अभी। सारे मैं पोल खोल देता हूँ। मैमे फोन सुबह सुनाया फोन दादाजी कह रहा है कि मेरे लिए है ये जो फोन, नया फोन, नया फोन हमको मिल गया। में ये कितने का होगा? 1 लाख का है। कस्टम से कुंजो टैंक मारेंगे, चेक कर रहे मेरे पास पैसा है बोले। नंगा है सारे, नंगा है, नंगा है। समझे कह रहा हूँ 1 लाख का फोन है। Yeah. हाँ। तंग देने। मन भाई इंग्लिश में मैंने खरीदा है ना, आप मेरे ही तो आपकी एक ही है, आप भी यूज कर सकते हैं इसको। दादाजी को बताया दिया ये 1 लाख का फोन है, दादाजी ने कुछ मतलब रिएक्शन भी नहीं दिया। मैं यहाँ 1 लाख फोन दे देना इस चुक उसका जितना। दो दिन के लिए मैं खेत का काम करवाने के लिए आया हूँ, कल मैं जा रहा हूँ वापस। जो कि दादाजी को पता है मैंने एक दुकान खोला है ना, दुकान खुला है ना मैंने, नया दुकान खुला है, उसके लिए काम है, मुझे वापस जाने पड़ेगा कल या परसों। पैसे बनाना है थोड़ा बहुत, क्योंकि यार जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आज मुझे जाना है तंबोला खेलने के लिए, तंबोला खेलने के लिए जाने में। चलो संगत है, अभी तो यार अभी तो दोपहर का टाइम बच रहा है, मैंने जाना है। अभी बच गया 1 बज। अच्छा अभी तो 1 ही बज रहा है, अभी तो काम भी नहीं खत्म हुआ, जब काम खत्म होगा तब मैं शाम को जाऊंगा वहाँ पे तंबोला खेलने के लिए। एंड और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर लद्दाख में और आउट ऑफ लद्दाख में कहीं से भी चुशुल में आना चाहते हैं तो चुशुल में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे बर्ड्स भी अच्छे अच्छे मिलेगा। और रिजांगला बोल के जो कि मेमोरियल्स है 1962 में जंग हुआ था ना, वहीं का जो मेमोरियल सारे देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पे होम स्टे भी है ऑब्वियसली, एंड अगर आप लोगों को होम स्टे चाहिए तो मुझे बता दो। एंड और होटल तो ऑब्वियसली होटल भी मिल जाएगा, जो कि मेरे बहन का भी एक छोटा सा होटल है, वहीं पर भी आप लोग खाना वगैरह खा सकते हैं। एंड दुकान भी है यहाँ पर, छोटा सा बाजार भी है चुशुल में। एंड बाकी मेन चीज़ जो है मेमोरियल, जो कि 1962 में शीतान सिंह का जो जंग हुआ था, वही का जो सारी चीजें मेरा दादा को थोड़ा सा पता है ना दादी जी। शैतान सिंह का जंग हुआ था ना 1962 में। यस यार दादाजी इतना प्यारा सा ना, तो मैं ज्यादा दादाजी को क्लेश में नहीं लूंगा, क्योंकि यार फिर यार बहुत सारे लोग नेगेटिव थिंग सोचते ना। वैसे तो मेरा अपने दादाजी यार, मैं कुछ भी कर सकता है क्योंकि मेरे दादाजी है, ये मेरा ही है ना। तो दादाजी को मैंने एक जो शेविंग के लिए ऑर्डर दे रखा है, वो जब मिलेगा
हाँ शेविंग आने वाला है, दादाजी कह रहे हैं मुझे शेविंग आने वाला है, तो मैंने शेविंग एक ऑर्डर दे के रखा है, तो शेविंग मैं दादाजी को दूंगा, जो कि आप सभी ने कमेंट करके बताया कि दादाजी के लिए एक शेविंग खरीदो। हाँ मैं शेविंग खरीदूंगा दादाजी के लिए, एक अच्छा सा जो कि सॉफ्ट होता है ना, ऐसे करने के लिए कुछ होता है ना, वो सॉफ्ट वाला मैं खरीद के, मैंने खरीदा है मतलब ऑलरेडी ना, अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो मैं चंडीगढ़ जल्दी ही चंडीगढ़ से जाने वाला हूँ, तो मैं वहीं से खरीद के तो मैं दादाजी को दूंगा, जो कि मेरे प्यारा सा दादाजी है। तो बाकी मेरे यार दादाजी इतना प्यारा है ना कि आप लोग बहुत सारे प्यार करते हैं, दादाजी को अच्छा लगता है। सो अभी चाय लेने के लिए जा रहा हूँ मैं, चाय बना हुआ होगा शायद मेरे ख्याल से, बहन तो वहीं चला गया नीचे। अभी यार देख मैंने थोड़ा बहुत खेत का जो काम किया ना, मुझे अच्छा सा फील हुआ, जो कि बड़ा होकर मैं खुद करवाने वाला हूँ, क्योंकि यार देख बड़ा होकर तो हम सभी करवाने वाला है, तो बड़ा होकर यार जब तक सिटी में बैठूंगा यार, तो बड़ा होकर तो गाँव में बैठ के तो मैं अच्छा सा एक घर बनाऊंगा, बड़ा होकर ना गाँव में, तो खेत पे मैं ऐसे काम करूंगा। सो फाइनली गाइस सारे काम जो है खत्म हो गया, जो कि खेती का काम था अभी मतलब 1-2 घंटे पहले वहीं पे कर रहा था, तो और सारे खत्म हो गया, जो कि मतलब 3-4 घंटा लगा। तो देख सारे खत्म हो गया, जहाँ पे देख वहाँ पे काम चल रहा था ना, वो सारे अभी टोटली खत्म हो गया, मतलब जितना काम चलाना था वो सारे खत्म हो गया, तो सारे लोगों ने खाना वगैरह खा के अपने अपना घर चला गया। मैं गाड़ी के अंदर आके वीडियो ज्वाइन करवाने के लिए आया था। गाइस वन सेकेंड मैं ये बताना चाहता हूँ, जो पिछली बार जो मैंने वीडियोस डाला था, जो कि जो कागज का पेपर्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। बंदे ने हमें कमेंट किया कि मेरा गलती है और आपने भी रिस्पांस नहीं उठाया, दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी, और कॉलेज को ऐसे मत कह करो, अब अगर पता चले तो डांट पड़ेगा ये वो, ठीक है। सो गाइस ये मैं कहना चाहता हूँ, जितना भी मेरा यूट्यूब को जानता होगा ना, तो अगर मेरा गलती है मैं मानता हूँ, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने उस पेपर्स पे नाम नहीं देखा सबसे पहले, फर्स्ट थिंग इज, एंड जब हमने एडमिट कार्ड जो निकालने गया था उसके बाद ही हमें पता चला कि हमारा नाम जो है टोटली वहीं पे नहीं था और दूसरा का नाम था। जो जो लोग हमें कुछ बोला ना, उनको बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा दिमाग यूज किया करो, मतलब हम जिंदगी के अंदर एक इंसान पैदा हुआ तो दिमाग तो होगा ऑब्वियसली, तो यार उनको मैं कहना चाहता हूँ हमने गलती किया है वो तो आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली, यार हमने गलती किया है इसलिए तो हम प्रिंसिपल के पास किया ना यार, वो दिमाग आपके पास नहीं आया होगा आई थिंक सो, है ना, तो इसलिए मैं वो जो कमेंट कर रहा था मुझे ना थोड़ा सा हंसी आ रहा था, गलती किया है ना तो इसीलिए तो हम गया है प्रिंसिपल के पास, और जो उनके पास जो हम माफी मांगने के लिए मतलब सॉरी मतलब हमने गलती किया है इसलिए सॉल्व करवा दो बोलने के लिए तो गया था, तो आप लोग बहुत सारे लोग कहता है कि आपका गलती है, सॉरी मेरी गलती है, एंड आप लोग वो भी ध्यान रखा करो, क्योंकि हमने एक टीचर्स की एज ए टीचर सोच के वहीं पे रिक्वेस्ट करने के लिए गया था, क्योंकि टीचर्स तो हमारे स्टूडेंट का स्टेटस सॉल्व करते ना, बट कोई बात नहीं, जिन जिनको समझ में आया इट्स गुड, जिन जिनको समझ में नहीं आया तो इट्स नो मैटर। सो गाइस तो आज का ये जो प्यारा सा मेरा गांव का ब्लॉग था यहीं पे एंड करवाना चाहता हूँ, अगर आप सभी को पसंद आए तो क्या करना चाहिए आप सभी को पता ही होगा ऑब्वियसली, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलता हूँ गाइस अगले एक अच्छे ब्लॉग में से, तब तक के लिए बाय बाय।